हे वीवर्स, गुड मॉर्निंग। और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 6 बजे। 6 बजे मैं जग गई थी और उसके बाद फ्रेश होकर झाड़ू लगाकर मैं आ गई हूँ किचन में। और मुझे बच्चों के लिए बनाना है ब्रेकफास्ट और लंच, क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे। और यहाँ पर मैं बच्चों के लिए आज बना रही हूँ बेसन के चीले, क्योंकि मैं सब्ज़ी बनाऊँगी भिंडी वाली। और भिंडी की सब्ज़ी बच्चे जो है ज़्यादा पसंद नहीं करते, बेटी तो खा लेती है लेकिन बेटा नहीं खाता, तो इसलिए मुझे जो है उनके लिए कुछ अलग ही बनाना था। तो इसलिए मैंने बेसन के चीले बना दिए और एकदम सिंपल बेसन में नमक मिर्च डालकर हल्का सा और उसको पतला सा घोल तैयार कर लिया। और ये मेरे पास सिंपल वाला ही तवा है, इसी पर मैं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास वो तवा नहीं है, डोसा वाला तवा नहीं है जिस पर आसानी से बन जाए। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है लेकिन बन जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, जब हम बनाते हैं तो बन जाता है। तो यहाँ पर वही जो है बेसन के चीले में बना रही हूँ बच्चों के लिए। और जिस दिन मुझे दो दो इस तरीके से दो दो आइटम बनाने होते हैं तो उस दिन बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, क्योंकि पहले बच्चों के लिए तैयार करो और फिर हस्बैंड जाएंगे ऑफिस तो उनका लंच तैयार करो, और सब्ज़ी हस्बैंड के लंच में तो सब्ज़ी जाएगी तो वो भी तैयार करना होता है। जिस दिन कोई अच्छी सब्ज़ी होती है जो बच्चों को भी पसंद है तो वो मैं फिर एक साथ ही बना लेती हूँ, तो बच्चे भी लंच में ले जाते हैं और हस्बैंड भी लंच में ले जाते हैं, तो फिर मेरे जो है मतलब कि दो दो आइटम बनाने की टेंशन खत्म हो जाती है और टाइम की भी बचत हो जाती है। और जब मैं दो दो चीज़ें इस तरीके से बनाती हूँ तो फिर जो है टाइम ज़्यादा लगता है, पर क्या करें जी, सब चीज़ों को देखना है, बच्चों को भी देखना है। अब बच्चे जो चीज़ ना खाए और वो उनके लंच में दे दे तो वो नहीं खाएंगे और फिर वहाँ पर परेशान हो जाएंगे, भूखे रहेंगे, तो ये भी कोई फ़ायदा नहीं है। लंच बनाने के बाद अब बारी आती है लंच पैक करने की, तो यहाँ पर दोनों के बच्चों के लंच पैक कर दूँगी। और जब तक मैं यहाँ इधर लंच बना रही थी तो बच्चे उधर अपने आप जो है रेडी हो गए थे। यूवी को जो बेटा है उसको तो हस्बैंड ने कर दिया स्कूल के लिए तैयार, और कनिका जो है खुद हो लेती है, कभी वो अपने बाल खुद कॉम कर लेती है, कभी मैं कर देती हूँ, तो इस तरीके से दोनों बच्चे जो है साथ के साथ तैयार हो जाते हैं। और कनिका के लिए तो लंच में सॉस रखा है चीले के साथ, लेकिन यूवी जो है सॉस बिल्कुल भी नहीं खाता, बस उसको ऐसे ही चीला दे दूँगी। और फ्रूट ब्रेक के लिए यहाँ पर थोड़े से मैंने जो है मखाने रख दिया है, मखाने को मैंने भून के रखा था हल्का सा घी में और उसमें नमक मिला के रखा है, तो थोड़ा सा बच्चों के लिए हो जाता है फ्रूट ब्रेक में, बीच बीच में थोड़ा सा खाते रहते हैं तो उससे बच्चों को भूख भी नहीं लगती। तो बस यहाँ पर जो है बच्चों के लंच पैक कर दे रही हूँ। यहाँ पर जो है बच्चों को भेज दिया है स्कूल में और बच्चे चले गए हैं, हस्बैंड जो है बच्चों को स्कूल तक छोड़ने गए हैं। सुबह को वो ही जाते हैं स्कूल छोड़ने के लिए और दोपहर में बच्चों को मैं लेकर आती हूँ। उसके बाद जो है अब हो गई है लंच की तैयारी अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाने की। तो आज मैं बना रही हूँ भिंडी। ये भिंडी की जो सब्ज़ी है ये मैंने रात में ही कट करके रख ली थी, नहीं तो सुबह ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए। तो बिल्कुल सिंपल सी जो है भिंडी यहाँ पर मैं बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने सबसे पहले ऑयल डाला, फिर उसके बाद जीरा, प्याज, और प्याज भुन जाने के बाद हल्दी, धनिया पाउडर, और उसमें प्याज डाल दिया और भिंडी बस। अब इसमें नमक मिर्च अपने स्वाद अनुसार डाल देंगे और पानी बिल्कुल भी भिंडी में मैं नहीं डालूँगी। 10 से 15 मिनट के लिए इसको गैस को एकदम सिम करके रख दूंगी और 15 मिनट में भिंडी जो है बिल्कुल बन करके बहुत अच्छी सी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिएगा भिंडी बन गई है, बहुत अच्छी बनती है। गैस को बिल्कुल सिम कर दो और 10 से 15 मिनट में भिंडी एकदम बन जाती है, बहुत जल्दी बनती है भिंडी की सब्ज़ी और पानी डालने की कोई ज़रूरत होती नहीं है भिंडी में। तो बस ये आटा भी मैंने साथ के साथ यहाँ पर गूंथ कर रख दिया था, तो आटा भी सॉफ्ट हो जाता है। थोड़ी सी देर 10-15 मिनट के लिए आटे को रख दो तो उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती फिर, नहीं तो फिर ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा देर तक हाथों से उसको गूंथना पड़ता है, मलना पड़ता है, जब ही वो सॉफ्ट होता है। तो मैं 10-15 मिनट पहले ही रख देती हूँ। उसके बाद जो है मैंने अपने लिए खाली पेट वाली दवाई, और फिर यहाँ पर जो है हस्बैंड को थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है तो उसी के लिए जो है मैंने यहाँ पर चाय बनाई थी। तो फिर मुझे याद आया कि चाय में काली मिर्च, इलायची, लौंग ये सब डाल देती हूँ, इससे जो है थोड़ा सा उनको आराम मिलेगा। तो बस वही जो है मैं यहाँ पर कूट करके डाल रही हूँ और उसके बाद जो है चाय बन चुकी है और साथ ही साथ बना लेती हूँ मैं अपनी रोटियाँ। और यहाँ पर लंच भी जो है तैयार हो गया था और हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं। उसके बाद आती है फिर किचन को क्लीन करने की बारी, तो सबसे पहले यहाँ मैं किचन क्लीन कर ले रही हूँ।
और साथ के साथ ही जो है स्लीपर और यहाँ टैले वगैरह है जो इन पे भी कपड़ा लगा दूँगी। तो रोज़ रोज़ कपड़ा लगाती रहती हूँ तो फिर ज़्यादा गंदा नहीं होता और फिर एक महीने की क्लीनिंग का फिर बर्डन भी नहीं रहता। तो यहाँ पर उसके बाद कर ले रही हूँ बर्तन साफ़, और बर्तन साफ़ करने के बाद जो है ये सिंक भी मैं क्लीन कर दूँगी अच्छे से, क्योंकि यहाँ का पानी मैं आपको बार बार बताती हूँ इतना ज़्यादा गंदा है, नमकीन पानी है, खारा पानी जिसको कहते हैं, और जंग लग जाता है। तो ये स्टील की जो सिंक है ये भी रोज़ जंग में हो रहती है, और मैं इसको इतना रगड़ती हूँ ना दोनों टाइम सुबह शाम स्टील वाले जूरे से, तो तब भी इसका जंग नहीं छूटता। तो यहाँ पर क्लीन हो चुकी है किचन अच्छे से एकदम, और उसके बाद आती है फिर रूम को क्लीन करने के बारी। तो यहाँ पर जब सुबह के टाइम जाते हैं तो थोड़ा बहुत सामान तो बिखरा रहता ही है, तो जो कपड़े हैं सबसे पहले उन्हीं को एडजस्ट कर दूँगी, उठाकर रख दूँगी उनकी जगह पर, और यहाँ पर बेडशीट को भी जो है अच्छे से अरेंज कर दूँगी। तो रूम की क्लीनिंग करने के बाद झाड़ू भी लगा दी थी, और उसके बाद जो है फिर ये वॉशिंग जो है इसको साफ़ करना था आज मुझे, तो इसको साफ़ जो है मैं यहाँ पर कर दे रही हूँ। इसको साफ़ करने के बाद जो है लगाऊंगी पोछा सारे में, उससे पहले जो यहाँ पर पानी बिखर गया था मैंने पानी डाल के यहाँ पर धोया था, तो यहाँ पर वाइपर मार दे रही हूँ मैं। तो जी मेरा सारा काम जो है अब हो चुका है कंप्लीट, और उसके बाद मैं यहाँ पर नहा चुकी थी और मंदिर भी हो आई थी, और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ लंच ही बोलेंगे इसको, ब्रेकफास्ट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि 11 बज गए थे और 11 बजे मेरा लंच और ब्रेकफास्ट एक बार ही होता है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठ गई थी, और यहाँ पर मैंने लिया है आज अपना बुक लिया है मैंने एनवायरनमेंट का, तो यहाँ पर वही बुक जो है मैं रीडिंग करूँगी, दृष्टि वालों की है ये बुक। तो आप लोग भी मेरे साथ जो है स्टडी कर सकते हैं अपनी कंटिन्यू। और मेरा मकसद यही है आप लोगों को वीडियो में दिखाना कि मैं पूरे घर का काम करती हूँ, सुबह से 11 बजे तक मेरा काम कंप्लीट होता है, फुल हाउस होल्ड वर्क होता है, कोई हेल्पर नहीं है मेरे पास कि मेरी हेल्पर आ सके, मैं खुद ही काम करती हूँ। और देखो बच्चों को स्कूल भेजना, उनको लाना, वो सब भी जिम्मेदारी मेरी है, मतलब कि भेजना तो मुझे है लेकिन लेकर हस्बैंड जाते हैं सुबह में, और उसके बाद दोपहर को मैं लेकर आती हूँ, फिर उनका खाना तैयार करना, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब जो है मुझे पूरे घर का काम करना होता है। उसके बाद जो मुझे टाइम मिलता है उसमें मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ, और यही मेरा मकसद है कि मेरे जैसी हाउसवाइफ न जाने कितनी हाउसवाइफ हैं जो ये समझती हैं कि हम घर के कामों में गिरकर अब अपनी पढ़ाई को नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप सोच सकते हो तो आप कर भी सकते हो। देखो मेरे पास तो दो बच्चे भी हैं, कुछ हाउसवाइफ ऐसी हैं जिनकी अभी नई शादी हुई है तो उनके पास बच्चे नहीं हैं, और वे सोचती हैं कि शादी के बाद हमारा तो जो है शादी के बाद जो है हमारा करियर जो है बर्बाद हो गया है, हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट कर सकते हैं, और जितना जल्दी हो सके आप अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, साथ के साथ इतनी दिक्कतें नहीं आती है। देखो अपने लिए टाइम खुद को ही निकालना है, सबके पास 24 घंटे होते हैं, उन 24 घंटों में से आप उनके यूटिलाइज कैसे करते हो, बस आपको यही मैनेज करना आना चाहिए। आप आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।